All right, so hey guys. तो भाई जैसे क्या संडे, मम्मी हमेशा हर संडे को ना आलू के पराठे बनाते ना वैसे। Alright, so hey guys, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। अच्छे वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग गाइस। तो हाँ, फाइनली हम लोगों का व्लॉग शुरू हो चुका है। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें इससे पहले वाला व्लॉग में बोला था कि हम अब से सारे व्लॉग सोनी से रिकॉर्ड करेंगे, जो हम सामने बात करेंगे ना वो वाले, बाकी सारे GoPro में होंगे। तो हाँ, हम लोग लेट नहीं करेंगे। मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी पूरा कंप्लीट है, GoPro लग चुका है एंड बाइक्स भी रेडी है पूरी, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं एक बॉम्ब सी लोकेशन में, एक वाटरफॉल, क्योंकि गर्मियों का ऐसा सीन है ना, हर कोई एडवेंचर टाइप जगह पसंद करता है, या तो कोई ट्रैकिंग वाली हो अच्छी सी। एंड सबसे मेन लोग सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं वाटरफॉल, तो हाँ एक वाटरफॉल है डैम के पास जो कि बहुत बॉम्ब है, तो हम लोग वो वाली लोकेशन कवर करने जा रहे हैं। तो हाँ, हम लोगों के साथ N4 जा रही है, ठीक है, एज यूजल। एंड साथ ही साथ एवेंजर भी जा रही है, क्योंकि वो लोकेशन थोड़ी दूर है ना यहाँ से, अराउंड अभी बताऊंगा रास्ते में कितनी दूर है यहाँ से, तो बाइक्स में कंफर्ट भी रहता है। हाँ, सबसे पहले तो हमारे साथ जा रहे हैं रावत जी, क्या हाल है भाई? बढ़िया यार, बड़ी सकल बढ़िया। तो गाइस हम लोग जस्ट निकल ही रहे हैं, ठीक है। व्लॉग का सीन ना आज भी नहीं हो रहा था, टू पे होने हम लोग ना आज भी व्लॉग के लिए निकल रहे थे, बट भाई मैंने सोच रखा था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए ना, मेरे को निकलना है तो निकलना ही है भाई। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी जगह व्लॉग बनाए ना, मतलब अपने एंड से मैंने बहुत जगह व्लॉग बनाए, बट मेरे को अपनी पूरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ना ये वाली लगती है। मैं ना कितनी बार भी आ जाऊँ ना, मैं कभी जिंदगी में बोर नहीं होता। मेरा ना दिल और मन यहीं रहता है यार हमेशा, पता तुम्हें सच में। तो गाइस अब पता चला ना तुम लोगों को किधर लेके जा रहा हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे ना, या जो मेरे व्लॉग पहले से देखते होंगे, भाई डैम श्योर वो लोग समझ गए होंगे कि हम कौन सी लोकेशन जा रहे हैं। मस्त होने वाला है गाइस आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा। इन सबसे ना मैं एक ही चीज़ कहूँगा भाई, ज़िंदगी ना बहुत छोटी है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं पता पल भर में क्या हो जाए क्या नहीं, तो आज ही आ जाए कल से कहाँ से बात है भाई। तुम्हें ना एक व्यू चेक कराता हूँ, बहुत तगड़ा है वो, देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है, तभी मैं यहाँ ज़्यादा आता हूँ पता है। तो गाइस फाइनली हम लोग आधी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं, ठीक है, तुम्हें एक व्यू दिखाता हूँ बहुत मस्त। तुम ना ये चेक करो भाई, वो वाला पॉट ना लिटरली इतना बॉम लग रहा है ना, तुम्हें क्या बताऊँ। हमें ना अभी यहाँ से होते हुए उसके ऊपर से वो पीछे वाले पहाड़ के भी पीछे जाना है। तो हाँ कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, मज़ा आ गया भाई, अभी यहाँ तक तो मज़ा ही आ रहा है भाई। फिर तुम लोग ना शायद वाला व्लॉग, इससे पहले तुमने व्लॉग देखा होगा जब ये डूब गया था, मेरे को नहीं पता था, तैरना नहीं आता था, मैंने से धक्का दिया भाई आगे वैर करने लग गया। वो तो अच्छा हो चौधरी और कौन था, क्रिश, क्रिश था, उनको तैरना आता था, उन्होंने बचा लिया। गाइस फिलहाल के तो हम लोग एक पॉइंट पे रुके हैं, याद है पिछली बार हम वाले ब्रिज में गए थे जब बहुत सारी बकरियां थी। गहरा है भाई वो, बहुत गहरा नहीं है यार, मैंने फेंका था ये देखो। अबे तू पत्थर से कैसे अंदाजा लगा सकते है? मैं लगाता हूं अंदाजा यार, नीचे रुक जा देख।
गाइस हम लोगों ने जैसे ऐसे छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि हम तब से राइड कर रहे थे ना भाई, थक गए थे। मैं तो बोलता कि चल लो क्योंकि मेरे को तो आदत है ऐसे कंटिन्यूस राइड की। एंड मैं तुम लोगों को दिखा दूं कि हम लोग रुके किधर है। आधी को ना भाई यही जगह मेरी है पहाड़ के नीचे, अगर ये गिरता भी है ना गाइस बचने की गुंजाइश नहीं है भाई। थैंक्स टू आशु भाई, जो मेरे बड़े भाई है ना कजन, ये उनकी गाड़ी है ठीक है। आशु भाई हमेशा ना भाई अपनी बाइक देते हैं हमेशा, पप्पी भाई उन्होंने पूरी लाइफ में आज तक मना नहीं करा। यहाँ पे ना गाइस भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब हद ही भीड़ हो रही है। कुछ लोग अपना वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग ऊपर चल रहे हैं। फिलहाल हम लोग ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर कैसे कैसा है। भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके जिस वाटरफॉल में आना था, तुम ये चेक करो ऐसा कुछ करके वाटरफॉल है। एंड भाई सब यहाँ का पानी इतना ठंडा है ना, हाथ लाल हो गए लिटरली। थोड़ा दूर चीटें मत आने दूर। जो इतनी दूर से आके भी नहीं नारे, मैं इन दोनों को बोल रहा हूँ कि आ जाओ था, बट आज नोडल यहाँ है भाई। हम लोग वाटरफॉल से इधर की तरफ आ चुके हैं। एंड भाई इतना ठंडा पानी ना, तुम लोगों को क्या बताओ। हम लोग पता किधर गए थे, हम लोग उस वाले वाटरफॉल में गए थे एंड लिटरली बहुत ज्यादा ठंडा पानी है वहाँ का। ऐसे ये व्यू चेक करो भाई, बहुत बॉम्ब लगी अबे यहाँ से डायरेक्ट नीचे तो आया। चल भाई अच्छा भाई अभी ना नोटेल गिर गया भाई, मुके पर इधर जाते सीधे नीचे। अभी नोटेल गिर गया था भाई, एंड नोटेल गिर के पता कहाँ जाता, नोटेल गिर के ना सीधे यहाँ जाता लिटरली। तो हम लोग इस प्यारी सी लोकेशन से निकलते हैं गाइस, बहुत नाले ठंडे ठंडे पानी में, लेट्स गो। एंड एक बार ना तुम लोग डैम का व्यू चेक करो भाई, क्या भयंकर लग रहा, कितना सुंदर लग रहा ना, बट उतना डरावना भी है। एक भाई ठंड गया ना गलती से भाई, मुश्किल ही बचेगा यहाँ पे, इतने पेड़ डूबे हुए यहाँ देखो तो। हाँ जो जो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करता होगा, मेरी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगी, या चैतन्य भोगना करके सीबी करके सर्च करोगे ना वो तब भी आ जाएगा। तो हाँ फॉलो कर लेना गाइस जिसको फॉलो करना होगा। तो लोगों की पकौड़ी आ चुकी है, हम दोनों ने चाय कराई है, इन दोनों ने कोल्ड ड्रिंक्स लाए क्योंकि हम नहाए थे ना तो ठंडा लग जाएगा भाई। तो गाइस हम लोग ना एवेंजर में शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि ना नोटेल के ना एनफो में बहुत बैक पेन हो रहा है भाई, तब से बोल रहा है कि शिफ्ट कर लो शिफ्ट कर लो, तो हमने करी नहीं शिफ्ट। गाइस हम लोग जस्ट निकलते हैं यहाँ से, ब्रिज काफी अच्छा है, मतलब जब आओगे थोड़ा सेफली आना ठीक है। कैसे लगा आज का मजदूर जगह, कैसे लगा आज? मजा बढ़िया है भाई, फुल मजा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस व्लॉग देन मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, देन बी सेफ एंड स्टे सेक्सी बेबी, बाय।